अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। ओम नमः शिवाय। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन। तो कल है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि पे बहुत सारे लोग व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, पूजा करते हैं शिवालयों में जाकर, और अनेक तरह से भोले बाबा को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मृत्यु लोक के देवता भोले बाबा को माना जाता है। भोले बाबा जिस पर प्रसन्न हो जाएं, उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। तो महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको एक उपाय बताने जा रही हूं, अगर आप वो कर लेते हैं पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ, तो भोले बाबा की कृपा से आप जो भी मांगोगे, जो भी आपकी कामना होगी, वो एक महीने के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, आप सुबह जैसे अपनी पूजा करते हैं जाइए शिवालय में पूजा करके आ जाइए, लेकिन जो ये उपाय है ये रात्रि के समय करना है, यानी कि संध्याकालीन समय के अंदर आप अपनी पूजा की थाली फिर से सजा के लेके जाएं, क्योंकि व्रत उपवास कर रहे हैं तो सुबह तो पूजा जरूरी है ही है, लेकिन ये उपाय संध्याकालीन समय में या रात्रि के समय में आप कर सकते हैं। पूजा की थाली के अंदर जो है आप लगाने को चंदन मंदिर में भी मिल जाता है, चंदन अगर घर में है तो आप ले जाएं, और उसके बाद जो है जो भी श्रद्धा सामान, चावल है, धूप दीप फल फूल नैवेद्य, जैसी आपकी श्रद्धा हो आप सामान ले जाएं, जल ले जाएं, उसमें दूध मिश्रित कर दें, दही घी जो भी भोले बाबा पर चढ़ाना चाहें आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको बिल्व पत्र अवश्य लेके जाने हैं। आप वैसे तो चाहे कितने मर्जी बिल्व पत्र चढ़ाएं, लेकिन आपने जो कामना के लिए चढ़ाना है वो एक ही बिल्व पत्र, जैसे आप बेल पत्र कह सकते हैं, तो आपको कामना के लिए एक बेल पत्र लेना है, और उसके तीनों यानी कि तीन पत्तियां होंगी उन पे आपको ओम लिखना है। आप चंदन से ओम लिखिए, और फिर जो शिवलिंग की शिव धारा होती है जहां से जल नीचे बहता है, आप उस जल धारा पर वो बेलपत्र चढ़ा दें, और चढ़ाकर मन में जो भी आपके कामना है भोले बाबा से, जो आप चाहते हैं कि वो शीघ्र ही पूरी कर दे, वो आप धीरे से मन ही मन भोले बाबा के कान में डाल दे, और श्रद्धा से फिर जल जो है उस पर, यानी कि जो आपने बेलपत्र चढ़ाया जल धारा पर कामना करके, आप जल के लोटे से ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय वो लोटा जल आपको डाल देना है। तो अगर आप ऐसे करते हैं तो देखना आपकी जो मनोकामना है वो शीघ्र ही पूरी हो जाएगी, और जैसे ही पूरी होगी आपका मन व्याकुल हो जाएगा कि हम जो हैं बताएं कि हमने ये उपाय किया था और भोले बाबा ने हमारी सुन ली। तो इस शिवरात्रि पर आप जाइए, सुबह पूजा अर्चना भक्ति के लिए कीजिए, और शाम को जो पूजा करेंगे वो अपनी मनोकामना के लिए उस एक बेल पत्र से आप कर सकते हैं। पहले गणेश जी की पूजा करना, फिर कार्तिकेय जी की, फिर माँ पार्वती की, और अंत में भोले बाबा की पूजा करनी है, क्योंकि भोले बाबा परिवार के हेड है, क्योंकि ये सारा भोले बाबा का ही परिवार है। तो आप जो है नंदी की भी पूजा करें, लेकिन सबसे अंत में भोले बाबा की करनी है, और उसके बाद जो मैंने ये उपाय बताया है वो आप बेल पत्र से करेंगे, और भोले बाबा की कृपा सदैव आप पर बरसती रहेगी। तो आप इस महाशिवरात्रि के पर्व पर पूजा अर्चना कीजिए, व्रत कीजिए, उपवास कीजिए, उपाय कीजिए, मनोवांछित फल पाइए, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें, और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।